हेलो दोस्तों, गोई टेक्निकल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि CSE में एक नई सर्विस आई हुई है, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। इसमें हम कैसे अप्लाई करेंगे और इसमें हमें क्या कमीशन मिलेगा, पूरी जानकारी इस वीडियो में देंगे। तो वीडियो को पूरा देखें। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से करूँगा एक गुजारिश, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए इस घंटी के आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें। तो चलिए सबसे पहले हम जाएंगे डिजिटल सेवा पोर्टल में, वहाँ पर हम लॉगिन हो जाएंगे। जैसा कि आप देख रहे होंगे, मैंने पहले से ही लॉगिन कर रखा है। फिर हम सर्विस में जाकर पार्ट टू में जाएंगे और सर्च बार में सर्च करेंगे टैक्स, तो हमारे सामने एक टैब खुल कर आएगी, टैक्सेशन सर्विस और टैक्स जीनस के नाम से। तो हम क्लिक के हेयर पर क्लिक कर देंगे तो हमें CSE रिडायरेक्ट होकर टैक्स जीनस की साइट पर ले आएगी, जिसमें आप देख सकते हैं कि जहाँ पर GST से रिलेटेड भी कुछ सर्विस ऐड हुई हैं। पर आज हम डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के बारे में बात करेंगे। ये अप्लाई करने के बाद क्लास 2 का डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट अप्लाई होता है, इसमें क्लास 2 का और 7 डेज वर्किंग डेज में ये बन जाता है। तो हम बताते हैं कि इसमें कैसे अप्लाई करना है। तो हम सिंपली डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट में अप्लाई क्लिक कर देंगे तो आपके सामने ऐसा एक इंटरफेस खुल कर आएगा जहाँ पर आपको डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना है। तो आपको बता दें कि क्या क्या फिल करना है आपको। जहाँ पर आपको एप्लीकेंट का नेम फिल करना है, जो भी आपके पास डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट बनवाने आएगा, चाहे तो आप खुद का बनवा सकते हैं, अगर कोई और आता है तो उसका भी आप बना सकते हैं। जहाँ पर उस व्यक्ति का पैन कार्ड नंबर, जहाँ पर आधार कार्ड नंबर, जहाँ पर उस व्यक्ति का मोबाइल नंबर लिखना है जो आपके पास डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट बनवाने आए। फिर उसकी ईमेल आईडी डाल देनी है, फिर जहाँ पर उसका पिन कोड विद द एड्रेस डालना है, एड्रेस डालना है फुल उसका, और साथ में पिन कोड भी जहाँ पर डालना है। उसके बाद उसकी स्टेट फिल करनी है, जहाँ पर जो जिस भी वो स्टेट में रहता है। उसके बाद BLE मोबाइल नंबर, जहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद आता है अपलोड DSC एप्लीकेशन एंड अपलोड DSC सीफी रिक्वेस्ट फॉर्म। ये कहाँ से मिलेंगे आपको, ये आपको जहाँ पर लिंक दिए हुए हैं उन्हें उन्हें पहले से आप देख सकते हैं। डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट एप्लीकेशन फॉर्म, DSC एप्लीकेशन फॉर्म, मतलब डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट फॉर्म, जब तो आपको यहाँ से मिल जाएगा। और दूसरा है DSC सीफी रिक्वेस्ट फॉर्म, ये आपको नीचे ही मिल जाएगा। दोनों के कोड इन्होंने जहाँ पर दिए हुए हैं लिंक, इन्होंने आप जहाँ पर क्लिक कर कर डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आपको इस फाइल को खोल लेना है, फाइल को प्रिंट कर कर इसको प्रिंट कर लेना है, फिर इसको फिल कर कर आपको स्कैन करके इसमें अपलोड कर देना है। इसको अपलोड करने में आपको एक ध्यान रखना है कि ये फाइल सिर्फ PDF, JPG या GIF फॉर्मेट में होनी चाहिए, और अगर ये और फॉर्मेट में होगी तो ये फाइल नहीं अपलोड होगी। अगर PDF या JPG फॉर्मेट में होगी तभी आप ये फाइल अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपको देखिएगा 1180 रुपये आपको इस सर्विस के लिए कटाने होंगे और फिर आपको सबमिट कर देनी है, जिससे आपका 7 दिनों के अंदर अंदर ये सर्टिफिकेट बन जाएगा। और इस सर्विस में आपको बहुत अच्छा कमीशन मिल रहा है। इस में आप कमीशन के बारे में भी बात कर लेते हैं कि आपको क्या कमीशन मिल रहा है। इसमें आपको 160 रुपये के लगभग कमीशन मिलेगा और बहुत अच्छा कमीशन मिल रहा है, तुरंत ही आपको कमीशन मिल जाएगा। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी, अगर और मेरे द्वारा दी गई जानकारी भी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक और शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा BLE भाइयों तक इस इन्फॉर्मेशन को पहुँचाएँ। अगर फिर भी कोई आपको दिक्कत हो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हमारी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।